नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक स्टार और उनके फैंस का रिश्ता काफी खास होता है। जितना प्यार फैंस अपने चहेते स्टार से करते हैं, उतना ही प्यार स्टार्स को अपने फैंस से होता है। वहीं हाल ही में ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह और उनके एक फैन के बीच देखने को मिला। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के एक फैन जतिन दुलेरा की बाथरूम में अचानक गिरने के कारण मौत हो गई। रणवीर सिंह को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने जतिन के निधन पर दुख जताया और उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जतिन और खुद की कई फोटोज को पोस्ट करते हुए RIP लिखा। वहीं वायरल भयानी नाम के एक फोटोग्राफर ने अपने इंस्टाग्राम पर जतिन की मौत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जतिन, जो रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फैन था, बाथरूम में अचानक गिर जाने से उसकी मौत हो गई है। वो बस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसके बाथरूम में गिरते ही उसकी सांसें रुक गई। जतिन काफी हंसमुख लड़का था, जो किसी भी बुरी आदत में नहीं था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था और उनके दो छोटे भाई बहन थे। उनकी माँ एक सरकारी फर्म में काम करती हैं। फोटोग्राफर ने आगे बताया कि जतिन उन्हें अक्सर सेलेब्स के ठिकानों के बारे में बताता था और कभी कभी उनके लिए वीडियो भी बना दिया करता था। इसके बावजूद उसने कभी भी नहीं चाहा कि इस चीज के लिए उसे श्रेय दिया जाए। जतिन का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ, जहां उनके करीब 700 दोस्त पहुंचे। बात करें रणवीर सिंह के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो इन दिनों वो लंदन में कपिल देव की बायोपिक की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर के अलावा दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। कबीर खान के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल 10 अप्रैल को रिलीज होगी।